अब तक हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस सेट के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इंडिफरेंस मैप के बारे में, उसकी स्लोप के बारे में, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सब समझ लिया है। इतना जब अपन को अगर एक बार पता पड़ गया तो अपन सेकेंड कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, दैट इज आवर बजट लाइन। अब बजट लाइन या बजट कॉन्स्ट्रेंट या प्राइस लाइन भी इसको बोलते हैं, काफी सारे नाम है इसके, तो वो होता क्या है ये समझेंगे ना, तो उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके हम ये देख पाएंगे कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन में आता है। आप मेरा पर्पस समझ रहे हैं ना, पहले इंडिफरेंस कर्व समझ लिया, पूरा इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हम कौन से दो कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन। दूसरा हमने ये समझ लिया कौन सी चीज हम खरीद सकते हैं और कौन सी नहीं खरीद सकते, इसको हम बोलेंगे बजट लाइन बजट सेट। और तीसरा इनको हम मर्ज कर देंगे, हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो हमारे बजट में फिट होता है। बजट वर्ड क्या है, का क्या मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी। इफ आई एम प्लानिंग टू परचेज अ टी शर्ट, तो मैं जैसे शॉप पे जाऊंगा तो मेरे को जो शॉपकीपर है वो मुझसे पूछ सकता है कि भाई आपका बजट क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप कितने रेंज तक चीजें देखते हो, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊं। देयर इज नो पर्पस इन शोइंग यू सच थिंग्स जो आपके बजट में फिट नहीं होती, राइट? इट हैपेंस विद अस लॉट मेनी टाइम्स, बहुत बार होता है बेटा, कई बार होता है कि हम जाते हैं और हमें बजट के हिसाब से चीजें खरीदनी होती हैं। सो बजट इज व्हाट, जो आप एंटिसिपेट करके चले हो कि मेरे पास इतना खर्चा करने के लिए पैसे अभी है। सी योर इनकम इज डिफरेंट, बजट इज डिफरेंट। इनकम होता है कि आपके पास पैसा कितना है, आप सारा पैसा तो खर्च नहीं करोगे ना, और सारा पैसा पर्टिकुलर किसी एक चीज पे खर्च तो नहीं करोगे। जैसे हमारा एप्पल्स एंड मैंगोज का जो कॉम्बिनेशन था, आप मार्केट गए एप्पल्स और मैंगो दोनों खरीदने के लिए, तो सारी इनकम थोड़ी खर्च करोगे। यू माइट हैव अ बजट इन योर माइंड, लेट्स से कि आपका जो फिलहाल बजट है दैट इज ₹20, दिस इज योर बजट, मान के चल रहे हो कि ₹30 ले लेते हैं, ₹30 इज योर बजट, ₹30 का बजट है, ₹30 में आपको एप्पल्स और मैंगोज लाने हैं, और ऑब्वियसली बात है कुछ प्राइस तो लगेगा एप्पल्स का मैंगोज का। मान के चलते हैं एप्पल्स आते हैं ₹2 पर पीस, एक एप्पल ₹2 का, बड़ी वेक फिगर्स हैं, ₹2 का नहीं आता एक एप्पल, ठीक है फिलहाल ऐसा ही इजी एग्जांपल्स हमको लेके चल रहे हैं। प्राइस ऑफ मैंगो मान के चलो ₹6 का मैंगो आता है, तो अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, लेकिन आपके ऊपर एक लिमिटेशन है कि आप ₹30 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, ये लिमिटेशन ही कॉन्स्ट्रेंट कहलाती है। इसीलिए जो यहाँ पे हम फिगर्स के साथ डील करेंगे उन्हें हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं, या बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन बोलते हैं अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दूं तो। समझना बच्चों, कॉन्स्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, मतलब आपकी हद जिससे आगे आप नहीं जा सकते, आपकी लास्ट लिमिट इज योर कॉन्स्ट्रेंट, और बजट आपके लिए एक कॉन्स्ट्रेंट की तरह काम कर रहा है बिकॉज आप इस बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो सारे कॉम्बिनेशन, वो सारे ऐसे कॉम्बिनेशन जो इस ₹30 के बजट में मैं खरीद सकता हूँ एप्पल्स के और मैंगोज के। मान के चलें कि हम सारे एप्पल्स खरीद लें, तो कितने एप्पल्स आप खरीद पाओगे? सी यू हैव टू स्पेंड ₹30 एंड द प्राइस ऑफ एप्पल्स इज 2। मैं पता करना चाहता हूँ क्वांटिटी कितनी खरीद पाओगे एप्पल्स की। तो एक रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको पता है। देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता, ये सब हमारी हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करके तो बना है। इकोनॉमिक्स में व्हाट एवर यू सी इज नथिंग जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ आर ओन बिहेवियर, हम जैसा बिहेव करते हैं ना उसी को अगर हम एक लॉ में एक थियोरी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स ओनली सिंपली। देखिए जरा हम एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है, जो भी आप जैसे खर्च करने वाले हैं चॉकलेट खरीदने पे, एप्पल खरीदने पे, मैंगो खरीदने पे, कुछ भी खरीदने पे, वो डिपेंड करेगा कि कितना प्राइस है और उस प्राइस के साथ आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। सिंपल, प्राइस आपको पता है यहां पे 2 है और 6 है, क्वांटिटी आपको निकालनी है और एक्सपेंडिचर कितना आप कर सकते हो वो भी आपको पता है 30। सो इट इज रियली इजी फॉर यू टू फाइंड द क्वांटिटी। कैसे फाइंड करेंगे क्वांटिटी, ये लीजिए क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल देते हैं यहां से,
क्वांटिटी होगा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने 100 रुपए खर्च किए चॉकलेट्स खरीदने पे, 100 रुपए आपका एक्सपेंडिचर या बजट है, ठीक है, और एक चॉकलेट आती 10 रुपए की, तो कितनी चॉकलेट्स खरीदी? इट विल बी वेरी इजी, एक्सपेंडिचर कितना किया 100 डिवाइड बाय कितना प्राइस था एक चॉकलेट का 10 पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई 10 यूनिट्स। आपने 10 चॉकलेट खरीदी होंगी 10-10 रुपए की, 10-10-10-10 ऐसे करके आपका 100 रुपए का खर्चा आया, 100 रुपए का बजट एग्जॉस्ट हो गया। फिर से सुनना, कोई भी क्वांटिटी जो आप खरीद रहे हो किस पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो और आपका बजट क्या है, जिसको मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर, या फिलहाल मैं बजट जो बता रहा हूं वो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो आप मन में लेके चल रहे हो कि मेरे को इतना पैसा खर्च करना है। सो इफ यू आर टारगेटिंग टू बी एट अ कॉस्ट ऑफ 100, आप सोच रहे हो कि 100 के एक्सपेंडिचर में मैं चॉकलेट्स खरीद लूंगा और एक चॉकलेट आती है 10 रुपए की, तो कितनी चॉकलेट्स खरीद पाओगे? 10 चॉकलेट खरीद पाओगे, सिंपल राइट। वैसे यहां एप्पल्स और मैंगोज के साथ भी होगा, मैं इसी चीज को अगर एक टेबल में लेके चलू ना तो हम सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखते हैं, पहला कॉम्बिनेशन क्वांटिटी ले लेते हैं मैंगोज की एंड क्वांटिटी ले लेते हैं एप्पल्स की, सो सेम अपन इंडिफरेंस कर्व की तरह यहां पे भी एक्स और वाई लेके चलेंगे, वहां जो एक्स और वाई लिया था ना उसी को यहां पे भी एक्स और वाई लेना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, क्योंकि पूरी स्टडी लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व अलग चीज हो बजट लाइन अलग है, दे मे बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बट एंड में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लब करना है। सो जो हमने वहां पे एक्स लिया था, मैंगोज को एक्स लिया था, आपको याद होगा क्योंकि मैंगोज की क्वांटिटी में एक कॉन्स्टेंट चेंज था, यहां पे हो नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एप्पल्स को हमने वाई लिया था, जैसा मैंने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में लिया था वैसा मैं यहां ले रहा हूं। एंड लेट्स स्टार्ट, पहला कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। लेट्स से पहला कॉम्बिनेशन है पी, मैं एबीसीडी नहीं ले रहा, कुछ और लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है पी। सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन पी विल डिपिक्ट दैट हमने एक भी मैंगो नहीं खरीदा। फिर सर ये कॉम्बिनेशन कैसे है? देखिए मैं एंड टू एंड जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये कहां तक एक्सटेंड करता है। अगर मैं एक भी मैंगो नहीं खरीदू तो एप्पल कितने खरीद पाऊंगा? आप सोचिए 30 रुपीज है, एक एप्पल आता है 2 रुपए का, 30 रुपए खर्च करने, दो दो करके मैं खर्च करूंगा, कितने एप्पल्स खरीदूंगा? क्वांटिटी निकालने का तरीका आपके सामने है, बहुत आसान है, एक्सपेंडिचर दैट इज 30 डिवाइड बाय प्राइस कितना 2, यू कैन इजीली परचेज 15 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। तो मैं एप्पल का पहला जो मैं सारा बजट खर्च करके जो एप्पल्स खरीद पा रहा हूं वो कितना है 15। आप एक बात समझिएगा कि ये 15 तब है जब मैं मेरा सारा बजट खर्च कर रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कि मैं मार्केट में 30 रुपीज लेके गया तो 30 रुपीज पूरे पूरे खर्च करके आऊंगा। मैं मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं फिलहाल मैं ये देख रहा हूं, द मैक्सिमम लिमिट जिसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता, ठीक है। इसके नीचे तो बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं एक ही एप्पल खरीद के लेके आऊं, मैं एक भी एप्पल नहीं खरीदूं, एक भी मैंगो नहीं खरीदूं, ऐसे आ गया वापस, यस दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। सो मैं फिलहाल क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा खरीद सकूं इसी बजट में उतना खरीद लूं और अलग अलग कॉम्बिनेशन में खरीद लूं। तो पहला कॉम्बिनेशन तो हो गया जब मैंने एक भी मैंगो नहीं खरीदा और 15 एप्पल खरीद लिया और 30 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि 15 एप्पल खरीदने में 2-2 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है सर। अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। मान के चलो कि अब मैं एक मैंगो खरीदने की जहमत उठा रहा हूं, बताइए कितना पैसा खर्च हो गया होगा एक मैंगो में? 6 रुपीज, 30 रुपए में से 6 रुपए तो गए क्योंकि मैंगो खरीद लिया एक, अब कितने रुपए बचे? टोटल बजट यू हैड 30, उसमें 6 चला गया, 30 में से 6 चला गया, मतलब मेरा इस बार का जो एक्सपेंडिचर का बजट बनेगा वो कितना है? देखें मेरे पास टोटल 30 रुपीज थे जिसमें 6 जा चुके हैं, तो मेरा बजट जो एप्पल के लिए बचा है ना वो कम बचा है, डिवाइड बाय एप्पल का प्राइस 24 रुपीज जो मेरे पास बाकी हैं, क्यों? क्योंकि 6 रुपए का एक मैंगो खरीद लिया, डिवाइड बाय
एप्पल का प्राइस पता पड़ा कि 12 एप्पल्स और खरीद सकते हो फिलहाल। मतलब अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बने जहां पे एक मैंगो खरीद रहा हूं तो और कितने एप्पल खरीद सकता हूं, मैं 12 एप्पल खरीद सकता हूं। रीवेरीफाई करते हैं, एक मैंगो 6 रुपए का, 12 एप्पल 12 × 2 = 24, समझ में आया? 6 + 24 = 30, मेरा बजट पूरा हो गया। फिर से समझना, एक मैंगो 6 रुपए का, 12 एप्पल 24 रुपए के, 6 और 24 जोड़ लो 30 आया, वही मेरा बजट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे, सोचिए जरा मन में कि नेक्स्ट आर वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कितने मैंगो कितने एप्पल। आर में अगर मैं 2 मैंगो कर दूं, मतलब मैंगो बढ़ा रहा हूं और एप्पल कम हो रहे हैं क्योंकि मेरा बजट कॉन्स्ट्रेंड है, 2 मैंगो खरीदने में कितने रुपए खर्च हुए, 1 मैंगो 6 का, 2 मैंगो 12 रुपए के, कितना पैसा बाकी रह गया। अब आपके पास बचे हैं, अगर 30 में से 12 जाता है तो आपके पास बचता है 18 रुपीज, और उसको 2 से डिवाइड करो तो पता पड़ेगा कि 9 यूनिट्स ऑफ एप्पल यू कैन स्टिल परचेज, बचे हुए पैसे से 9 एप्पल और खरीद सकते हो। तो मेरा अगला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2 मैंगोज 9 एप्पल्स। आई होप समझ में आ रहा है, हर बार हम वही एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने मैंगो खरीद लिए, जितने मैंगो खरीद लिए उसमें उसका खर्चा कितना हो गया, उसको हटा दो 30 रुपए में से, बचे हुए पैसे में से मेरे को एप्पल खरीदने, ठीक है सर। आर के बाद एस, फिर से एक मैंगो और बढ़ाऊंगा, 3 मैंगो खरीद रहे हैं हम, सो 3 मैंगोज विल कॉस्ट अस 6, 6 एंड 6, 18 रुपीज। 18 रुपीज जा चुके हैं मेरे बजट से, 30 रुपीज के बजट से, अब मेरे पास बचा कितना है, 12 ओनली, और 12 रुपीज में कितने एप्पल्स आएंगे, मैं बोलता हूं 30 में से माइनस कर दो 18 और डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 रुपीज क्या है, प्राइस ऑफ एप्पल्स। सो 12 रुपीज में कितने एप्पल्स आएंगे, 6 यूनिट्स, अंडरस्टूड, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड नाउ। सो 6, 3 और 6 का अगला कॉम्बिनेशन, टी कॉम्बिनेशन क्या है, मैंगो एक और बढ़ा दो, 4, 6 = 24, 24 रुपीज खर्च हो गए मैंगो में, 24 रुपीज खर्च हो गए तो बचे हैं सिर्फ 6 रुपीज, उन 6 रुपीज में कितने एप्पल्स आएंगे, 3। मैं इस बार पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब तक तो आप भी डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे होंगे। फिर से बोलता हूं, 4 मैंगोज कितने रुपए के हो गए, 6, 6, 6, 6, 24 रुपीज के, 4 मैंगो हो गए, बचा कितना, 30 में से 24 तो जा चुका है, 6 रुपीज बचे हैं सिर्फ, 1 एप्पल आता है 2 रुपीज का, तो 6 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे, 3 एप्पल आएंगे, मैंने वो कॉम्बिनेशन बना दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे यू कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा, कि भाई आप 5 मैंगो खरीद लो, 5 मैंगो खरीद के कितने पैसे खर्च हो गए, 5, 6 = 30, 30 रुपीज आर स्पेंट, 30 रुपए खर्च हो चुके हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है एप्पल खरीदने के लिए और मैं एक भी एप्पल नहीं खरीद पाऊंगा। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, ये वो सारे कॉम्बिनेशन हैं जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, खरीदने की हिम्मत कर सकता है। ओके सो इस पूरी टेबल को मैं क्या बोलूं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बजट को डिपिक्ट कर रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूं बजट सेट, दिस विल बी आर बजट सेट। व्हाट इज अ बजट सेट, अ बजट सेट इज अ टेबल शोइंग द ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद इन हिज बजट, जो भी बजट उसको अलाउ हुआ है या उसने खुद के लिए अलाउ किया है उसमें जितना भी खरीद सकता है, वो सब खरीदने पर जो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस का सेट कहलाता है बजट सेट। लेट्स डिफाइन इट, बजट सेट, इट इज अ सेट मतलब टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स
वापस से हम एप्पल और मैंगो देख रहे हैं. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय. लेकिन अफोर्ड टू बाय मतलब पूरी जिंदगी में नहीं, फिलहाल के टाइम में जितना आपका बजट है उसमें. अफोर्ड टू बाय इन हिज गिवन बजट, इन हिज गिवन बजट, उसके दिए हुए बजट में जितना वो खरीद सकता है उन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट सेट. सो बजट सेट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद इन हिज गिवन बजट. क्या वो बजट से ज्यादा खरीद पाएगा, बजट लाइन के जो बजट सेट के जो कॉम्बिनेशन हैं, क्या इसके अलावा कुछ खरीद सकता है, मतलब ऐसा कुछ कर सकता है कि 2 mangoes and 10 apples खरीद सके? नहीं, क्योंकि उसका सारा पैसा एग्जॉस्ट हो चुका है. ऑन एनी पॉइंट ऑन द बजट सेट, ऑन एट एनी कॉम्बिनेशन ऑन द बजट सेट ऑफ द बजट सेट, द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग होल ऑफ हिज इनकम. एट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द बजट सेट, कंज्यूमर इज स्पेंडिंग होल ऑफ हिज बजट, होल ऑफ हिज बजट नॉट इनकम. वो पूरा जो बजट उसने एलोकेट किया था इस काम के लिए, एप्पल और मैंगो खरीदने के लिए, वो सारा बजट इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन पे खर्च हो रहा होगा. इससे ज्यादा क्वांटिटीज खरीदना पॉसिबल नहीं है. ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो वो खरीद सकता है, और 30 के 30 रुपए उसमें उसने खर्च किए हैं. ये सारी बातें हम सीख गए. एक बार इसको कॉपी करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कर्व कैसे बनेगा. अब इसी बजट सेट का मैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं. देखते हैं इसको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके हमको क्या मिलता है. लेट्स सी व्हाट शेप वी गेट. सो कई बार अब तक तो आप ग्राफ्स बना चुके हैं. 0 xy, एक्स पे मैं किसको ले रहा हूं, मैं मैंगोज को ले रहा हूं, एंड वाई पे एप्पल लिए जा रहे हैं. ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं. दिस इज कमिंग फ्रॉम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच. हमने वहां पर एक्स और वाई लिए थे, इसलिए यहां पर भी हम एक्स और वाई ले रहे हैं. यहां कोई रीजन नहीं दे रहा मैं. इट इज डन बिकॉज इट इज द सेम थिंग इज डन विद इनडिफरेंस कर्व. तो देखिए जरा कि कितने कितने मैंगो और कितने कितने एप्पल हम लोग प्लॉट कर रहे हैं. देखिए जरा एक्स में जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है वो 5 तक जा रहा है, 5 तक ही बनाता हूं. वाई में है जो 15 तक जा रहा है, लेट्स टेक 15. ठीक है, सो 5 के अकॉर्डिंगली मैं 1, 2, 3, 4 and 5, एंड 15 के अकॉर्डिंगली हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, एंड ऑल अदर कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली फॉलो कर सकते हैं. आप तो स्केल और पेंसिल से ही बनाना. मेरे पास फिलहाल इतना बड़ा स्केल नहीं है कि मैं इस पर ड्रॉ करूँ, तो मैं अंदाजे से कर रहा हूँ. बट हाँ, हमें रिजल्ट्स आपस में एक जैसे ही मिलेंगे. तो आप फिर भी स्केल से बनाना, अदरवाइज कुछ गड़बड़ कर दोगे. लेट्स सी ऑल द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज 0 mangoes. तो मैंगोज में तो 0 एंड एप्पल्स में 15. आई वुड से दैट पी जो हमारा पॉइंट है ना, वो यहां पे है. 0 mango 15 apples. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 and 12. 1 and 12
वन मैंगो एंड 12 एप्पल्स. सो दिस कम्स समवेयर हियर. टू मैंगो 9 एप्पल. अब तो बनाते जाओ. 2 and 9. थ्री एंड सिक्स समवेयर हियर. 4 and 3, 4, 3 and 5 and 0. देख के पता लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन बनाए. मैं एक और तरीके से आपको बता सकता हूं स्ट्रेट लाइन क्यों बनाए, क्योंकि हर बार कांस्टेंट चेंज है दोनों में. एक्स में भी 1, 1, 1, 1 का चेंज है, वाई में भी 3, 3, 3, 3 का भी चेंज है. मतलब दोनों में कांस्टेंट चेंज है, दोनों में ही कांस्टेंट चेंज है ना, तो एक कर्वी शेप नहीं लेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. जब दोनों में से किसी एक में कांस्टेंट चेंज हो और दूसरे में कांस्टेंट चेंज नहीं है, तो आप पक्के से श्योर बोल सकते हैं कि वहां कुछ ना कुछ कर्व बनने वाला है. तो ठीक है, इस तरह की छोटी टिप्स मैं देता रहूंगा आपको. फिलहाल ये कैसा बना है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जिसकी स्लोप नीचे की तरफ है और एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व. तो इसको मैं बोलूंगा कि यही आपकी वो बाउंड्री है जिसको हम बजट बोलते हैं, और इसीलिए इस बात को बोलेंगे बजट कर्व, या बोलूंगा बजट कॉन्स्ट्रेंट. क्योंकि ये लाइन और कुछ डिपिक्ट नहीं कर रही है, प्राइसेस डिपिक्ट कर रही है एप्पल्स एंड मैंगोज की, कि उस प्राइस के चलते क्या होगा, इसीलिए मैं इसको प्राइस लाइन भी बोलता हूं. तो क्या क्या नाम हुए, बजट कर्व, बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन, प्राइस लाइन, ये सारी चीजें ये हैं. और ये कॉम्बिनेशन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू. पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ऑल द कॉम्बिनेशन विच आर ऑन द बजट लाइन, एंड दीज कॉम्बिनेशन आर शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन, ऑल द पॉसिबिलिटीज विच अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट. Given his budget is 30 and he is spending entirety of it. वो पूरा पूरा 30 रुपए खर्च कर रहा है ना, तो ये सारे combinations ही हो सकते हैं और कोई combination नहीं बन सकता. ठीक है, so any point on the budget line shows, any point on the budget line shows that entire budget is spent. पूरा का पूरा बजट खर्च हुआ है. कोई भी पॉइंट ऑन द बजट लाइन क्या शो करता है कि पूरा बजट खर्च हुआ है. सर पूरा बजट खर्च हुआ है, कुछ नहीं बचा. लेकिन इसके अंदर कोई और पॉइंट होता, जैसे टी यू के बाद वी पॉइंट यहां पे अंदर होता, इट इज इनसाइड द बजट लाइन. क्या ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि पूरा 30 रुपए खर्च हुआ है? मतलब मान के चलो 4 एप्पल और 1 मैंगो, ये वाला पॉइंट क्या ये शो कर रहा है कि पूरा बजट खर्च हुआ है? नहीं. एक मैंगो के साथ तो 12 एप्पल आ सकते हैं. हम एक मैंगो के साथ 4 एप्पल ले रहे हैं, इसका मतलब हम बजट पूरा खर्च नहीं कर रहे, वी आर अंडर स्पेंडिंग इट. हो सकता है, हाँ हो सकता है. तो हम बजट लाइन पे ही क्यों रहे, हम इसके अंदर वाले पॉइंट्स को भी तो सोचें. तो क्या मैं लिख सकता हूं एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, कि आपने अपना बजट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, आप 30 रुपए लेके गए थे लेकिन खर्च करके आ रहे हो उससे कम. राइट, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट. होता है, कई बार होता है आप बाजार जाते हो, सोचते हो कि इतने रुपए खर्च करके आने या इतने रुपए मैक्सिमम खर्च करने हैं, उससे कम खर्च करके आते हो. सो दैट्स अ सिंपल प्रोसेस. होता है ऐसा कई बार, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, ये भी हमारा केस हो सकता है और ये भी हम अचीव कर सकते हैं. लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि आपने बजट पूरा यूटिलाइज नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेविंग है यहाँ पे. कोई पॉइंट अगर बजट लाइन के बाहर हो तो, जैसे ये पॉइंट बना रहा हूँ डब्ल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट वी. पॉइंट वी क्या शो कर रहा है कि आपने
अंडर यूटिलाइज किया बजट को। अच्छा, एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन कौन से वाले थे? पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप हमारा पूरा बजट खर्च कर रहे हो। लेकिन हम बात करते हैं कि इनके बाहर कोई पॉइंट हो सकता है क्या? कैन एनी पॉइंट एग्जिस्ट बियॉन्ड द बजट लाइन? जैसे डब्ल्यू मैंने बनाया जो थोड़ा आगे है, जो बताता है कि आप 15 एप्पल खरीदते खरीदते करीब 2 या 3 मैंगोज खरीद रहे हो, इज इट पॉसिबल? No. Why? क्योंकि आपने जब जैसे 15 एप्पल्स खरीद लिए ना, 30 रुपीज वहीं खर्च हो गए। एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन इज नॉन अटेनेबल, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता आपके बजट में, वो आपके बजट में फिट ही नहीं हो रहा है। इट इज बियॉन्ड योर बजट, तो आप उसको अटेन नहीं कर सकते, आप उस तक पहुंच नहीं सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते। दैट इज नॉन फीजेबल, नॉन अटेनेबल फॉर यू। लिख देते हैं, एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन इज नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल बोलूं या बोलूं अनअटेनेबल? कोई भी पॉइंट अगर बजट लाइन से बियॉन्ड होगा तो वो नॉन फीजिबल या अनअटेनेबल कहलाएगा। जैसे पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है? डब्ल्यू। हमने पॉइंट डब्ल्यू बनाया जो बजट लाइन के बियॉन्ड है और ये अटेनेबल नहीं है। तो अटेनेबल या फीजिबल क्या होता है सर? अटेनेबल या फीजिबल वो होता है जो हम अचीव कर सकते हैं। जैसे पॉइंट हुआ पी क्यू वी, वी भी अटेनेबल है। सो कैन आई से दैट एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज अटेनेबल? यस। ऑन द बजट लाइन इज अटेनेबल? यस। एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द बजट लाइन इज प्योरली अटेनेबल पॉइंट। एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द बजट लाइन इज फीजेबल। फीजेबल बोलूं या क्या बोलूं? जैसे यहां नॉन फीजेबल बोला था और अनअटेनेबल बोला था, वैसे यहां बोल सकता हूं फीजेबल और अटेनेबल। अगर डब्ल्यू हमारा नॉन फीजेबल या अनअटेनेबल है तो बाकी सारे पॉइंट्स पी क्यू आर वी टी यू एस, दीज आर ऑल अटेनेबल पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से? पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू और साथ साथ में हमारा पॉइंट वी भी, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इन सबको हम अचीव कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया, बड़ी आसान चीजें थी ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन हैं इसको लेकर के। ठीक है, आप साथ साथ में बनाते जाओ, बिकॉज मैं बहुत सब बहुत सारा लिख दूंगा फिर समझ में नहीं आएगा, राइट?